हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू सक्सेस विद शौर्य। मेरा नाम है शौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद शौर्य में। आज के क्लास में हम देखेंगे कि केल्विन से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी भी टेम्परेचर को, या फिर सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा टेम्परेचर को। और ये केल्विन क्या होता है, इसी वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर करें। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब हम इसको समझ लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए कि हमें देखना है कि टेम्परेचर को हमें कन्वर्ट करना है, और केल्विन क्या होता है, केल्विन जो होता है वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है, और 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, 273 केल्विन के। ये माइंड में रखना, अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि केल्विन से सेल्सियस में कैसे हम किसी भी टेम्परेचर को चेंज करेंगे, एंड सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, उसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। 293 केल्विन इंटू सेल्सियस, जब भी ये आए तो कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू हमारे पास 293, इसमें हमें क्या करना है, माइनस कर देना है 273, और यही हमारा क्या बन के निकल के आ जाएगा, सेल्सियस में वैल्यू निकल के आ जाएगा। 293 में से 273 जाएगा तो 20 डिग्री सेल्सियस ये हमारा आंसर बन के आ गया। तो केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए माइनस करेंगे 273 से। सेम अगर हम देखें यहाँ, सेल्सियस से केल्विन में अगर हमें चेंज करना है तो क्या करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन है ना, तो अब हमें क्या करना है, 25 डिग्री सेल्सियस में हमें क्या करना है, प्लस कर देना है 273 को। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगा वो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, केल्विन की वैल्यू निकल के आएगी, केल्विन की वैल्यू। तो इनमें करेंगे 538 729 and 298 केल्विन, इसकी वैल्यू निकल के आगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 298 केल्विन आएगा, और 293 केल्विन को अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो अब देखिए, केल्विन से अभी तक हमने सीखा कि केल्विन से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर को, और सेल्सियस से केल्विन में कैसे टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इस जो भी टेम्परेचर है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर वो केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना हो या फिर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो। वो फॉर्मूला क्या है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें। केल्विन इक्वल टू होता है 0 डिग्री सेल्सियस प्लस का 273, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ, माइनस 273, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्सियस को अगर हमें चेंज करना हो केल्विन में तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे केल्विन प्लस का 273, और यही हमारा वो दो फॉर्मूला है जिससे हम केल्विन से सेल्सियस में जा सकते हैं एंड सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर दें, सो डैट कि जो आने वाला कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक टाइम पर पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, जय हिंद।